आज हम लोग करने वाले हैं रिव्यू बेकम क्लीनर का, जो है आप लोग इधर देख सकते हैं इनल्सा का, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। अभी अभी जस्ट कार्टून से निकल के इधर रखा है। ठीक है, उसका अनबॉक्सिंग करते हैं और थोड़ा सा आप लोग को उसका रिव्यू नहीं, कैसे ऑपरेट करते हैं उसको हम दिखा देते हैं। चलिए आइए इसको ओपन करते हैं। इधर देख सकते हैं आप लोग, ये है इसका पैकेटिंग, मतलब को इसका ये है इसका पैकेटिंग होके आया है। सो इसको ऐसा निकाल देते हैं। क्या है ये? शायद एक्सटेंशन पाइप होगा। ये ब्रश इधर थोड़ा कार्टून में अगर अच्छा से हम लोग देखें तो इसका नाम है इनल्सा होम इजी WD-10, उसका वो नंबर है, वेट एंड ड्राई बेकम क्लीनर, जो इजी लॉकिंग फैसिलिटी के साथ आता है। और नीचे ये 360 डिग्री रोटेशनल कस्टर व्हील्स होता है, जो कि आपको आसानी से एक जगह से दूसरा जगह मूव करने के लिए होगा। सो वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे, जो कि कंजम्पशन है 1200 वाट जैसा। और देखते हैं ये WD-10, मतलब इसका 10 लीटर कैपेसिटी का वो, ये जो टैंक होता है ये 10 लीटर कैपेसिटी का होता है। सो ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग ऑपरेशन करके। और इसका थोड़ा और एक चीज क्लोज भी थोड़ा ले लेने से हम लोग देख सकते हैं। सो वेट एंड ड्राई बेकम क्लीनर है, मॉडल है उसका होम इजी WD-10। अच्छा, वोल्टेज आपका कितना वोल्टेज कंजम्पशन करेगा? 240 वोल्ट। और पावर्स चाहिए उसको 1200 वाट। सो क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है इसका अंदर? वन कंटेनर और मोटर यूनिट, दैट इज दिस वन। ओके, और क्या क्या मिलने वाला है? 3 N एक्सटेंशन पाइप्स, जो कि मेरे हिसाब से ये है जो 3 है एक्सटेंशन पाइप्स। हम लोग इसको निकाल देंगे, ये एक्सटेंशन पाइप है, हम लोग का जो होस पाइप है उसको एक्सटेंड करने के लिए ये 3 एक्सटेंशन पाइप है। और कुछ 1 in 2 in 1 रिसीवर नोजल है, 1 स्मॉल राउंड ब्रश है, क्लॉथ फिल्टर 2 अंदर में मिलेगा, एक स्पॉन्जेस फिल्टर मिलेगा, एंड कैरी हैंडल, जो इसको इधर पे हम लोग लगाएंगे कैरी हैंडल। सो वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, सो इसका मेरे को इधर प्राइस लिखा हुआ है 11,895 रुपीज़, और उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है अगस्त 2022। बट मेरे को फ्लिपकार्ट से ये मिला अराउंड 3,999 रुपीज़ से। ओके, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्राइस लिखा हुआ है, क्या इधर देख सकते हैं 3,899 रुपीज़। ओके, सो इसको अभी इधर देखते हैं। ये हमारा इनल्सा का कार्टून हो गया। आप ये है मेरा मेन यूनिट, ये है मेरा मेन यूनिट, जिसमें ये इसको अगर हम लोग इधर से ओपन कर सकते हैं, ये दो इससे हम लोग इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। ओके, ये ओपन कर दिया। सो यहाँ पे ये इसका हुआ मोटर का जगह, मोटर का यूनिट है। और ये हम लोग का जो बोला था, जो ये क्लॉथ फिल्टर जो है आप लोग का, जो मतलब कचरा जो है उसको इधर मतलब फिल्टर में जमा हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्लॉथ फिल्टर हम लोग को 2 दिया है, इधर एक लगा हुआ है और ये 1 दिया है। ठीक है, अगर हम लोग को यूज कर सकते हैं। और ये और एक फिल्टर है जो हम लोग वेट चीजों के लिए, ये है ड्राई चीजों के लिए और ये है वेट चीजों के लिए, हम लोग का जो फिल्टरिंग यूनिट है ये है। सो इसको हम लोग आसानी से निकाल के दूसरा लगा सकते हैं, जैसा कि ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे आसानी से निकाल के दूसरा यूनिट लगा सकते हैं। ये हमने ऐसे करके इसको निकाल देंगे। ठीक है, सो दूसरा लगाने के टाइम में मैं दिखा देता हूँ दूसरा कैसे लगाते हैं। इसको आसानी से, एकदम आसान है, इधर इलास्टिक का वो होता है। इसको ऐसे करके
इधर फिक्स्ड कर देना है, सो फिक्स्ड कर देना है। इसके बाद इसको ऐसे करके बस हो गया। अभी इसको इधर इसे लगा देना है, ठीक है। इसको आपका इधर से देख सकते हैं, इसका ये हुक है जो कि क्लोज करने के लिए है। इसको हम लोग बेस करके ये से लगा देना है और इसको ऐसे प्रेस कर देना है। सेम इस साइड में भी है, सेम इस साइड में इसको ऐसे करके ये फिक्स्ड हो गया। तो ये अभी लग गया। इसके साथ हम लोग को ये हैंडल मिलता है, हैंडल को हम लोग आसानी से इधर फिक्स्ड कर सकते हैं। इधर स्क्रू है, स्क्रू से इसको बाद में फिक्स्ड कर देना है। सो हम लोग बाद में कर देंगे वो। स्क्रू से इसको वो है यह हुआ स्क्रू। इधर हम लोग को एक्स्ट्रा स्क्रू दिया है, ये स्क्रू, ये स्क्रू से हम लोग को ये टाइट कर देना है, ये स्क्रू जो है। सो ठीक है, अभी ये रख देते हैं। हम लोग आपको ऐसे दिखा देते हैं, ये हम बाद में फिक्स्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं। सो इधर रख देते हैं। ये हमारा चार व्हील है जो कि आसानी से मूवमेंट करने के लिए, ये चार व्हील है, हम इसको नीचे आसानी से फिक्स्ड कर सकते हैं। सो ये देखिए, तो इसको ऐसे प्रेस करके हमको लगा देना है, ऐसे प्रेस करके इसको आसानी से लगा देना है। तो ये कुल लग गया जो कि 360 डिग्री रोटेट भी होता है। सो जो जिसको ये क्लीनिंग के टाइम में हम लोग आसानी से इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम फिक्स्ड करते हैं। इसका टू वे है, देखिए एक है एग्जॉस्ट और एक है। सो ये हो गया मेरा होस पाइप, ठीक है, होस पाइप। उसको हम लोग एक्सटेंशन अगर करना चाहिए, आपको जरूरत है करने के लिए, तो 3 एक्सटेंशन पाइप दिए है ऐसा करके, इसमें ये इसमें लगा के हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें लगा के इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आप अपना जरूरत के हिसाब से इसे लॉन्ग कर सकते हैं और एक ही बाकी है। सो अभी हम मेरे को इतना लॉन्ग जरूरत नहीं है, मैं निकल के ये रख रहा हूँ, ठीक है। सो दूसरा चीज हम लोग और देखते हैं क्या क्या और मिला है। इधर हम लोग को मिला है आप लोग को ये देखिए, ये एक ब्रश, ठीक है, अलोंग विथ ये मिला, और दो है ये स्मॉल ब्रश जो कि आप लोग को विंडो का पैनल क्लीन करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा। ये आप लोग का और थोड़ा बड़ा जो नैरो स्पेस है उसको क्लीन करने के लिए ये ब्रश भी काम में आ जाए। तो ये और एक ब्रश है जो कि रूम ऐसा फ्लोर रोड को आसानी से क्लीन कर सकते हैं, बोथ वेट और ड्राई मीडियम के लिए, ठीक है। अभी एक बार आप लोग को कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। सो लगाने के पहले एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, लगा के देख लेंगे कौन सा इनलेट है और कौन सा एग्जॉस्ट है, ठीक है। ये स्विच है, आप इसी सो हमने कनेक्ट कर दिया ऑलरेडी, ये स्विच भी ऑन कर दिया और एक इधर ऑन ऑन ऑफ बटन है ऑलरेडी मशीन में। सो ठीक है, हम लोग एक बार ऑन करके आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा मतलब आपका एग्जॉस्ट है, कौन सा आपका इनलेट है, ठीक है। सो तो आसानी से पता चल गया कि ये हमारा क्या है, हवा को फेंकता है और इधर से हवा खींचता है। सो हम लोग ये पाइप को उस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। सो इनलेट में हम लोग को कनेक्ट कर देते हैं। सो आप ये होस पाइप इसी हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं आपका नीड के अनुसार। आपको अगर किसी चीज़ को ऐसे खींच के आपको उठाना है तो आपको इनलेट पे ये लगा देना है। अगर आप मतलब इसको ब्लो करके आपको डस्ट को निकलना होता है तो इसमें एग्जॉस्ट में ये सेम पाइप लगा सकते हैं। सो दोनों के लिए सेम होस पाइप है, आप यूज़ कर सकते हैं। सो मान लीजिए अभी हमको
हाँ ये उसी डास्ट को ऐसे ही बेकम मतलब ब्लो करना है, डास्ट को ब्लो करना है। मान लीजिए विंडो पैनल में डास्ट है या कहीं डास्ट है, हमको ब्लो करना है। सो हम ब्लोअर में, ब्लोअर का साइड में हम लोग क्या करते थे, ये हॉस पाइप फिक्स्ड कर देते। सो एकदम आसान चीज़ है ये, आप रोटेट करके ऐसे फिक्स्ड कर सकते हैं। सो हमने कर दिया, देखते हैं इसको, इसका पावर कैसा है, कैसे ये काम करता है। सो ऑलरेडी प्लग इन है, तो हम स्विच को ऑन कर। देखते हैं हमारा ये इनोवा का स्ट्रेंथ कैसा है। सो ऑलरेडी प्लग इन है, मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। सो हम देख सकते हैं इसका पावर कैसे है, इसको हटा सकता है कि नहीं। बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत बहुत पावरफुल है। कंपेरेटिवली आप अगर दूसरा मतलब मॉडल सेम प्राइस रेंज का अंदर देखें, सो ये बहुत बेहतर पावरफुल है इसका मोटर। सो आसानी से सब कुछ ब्लो कर सकते हैं। आप लोग ने देखा कि ये सब पाइप वगैरह सब कुछ ये मतलब ब्लो कर सकता है। सो आसानी से कोई भी डस्ट आप लोग रिमूव कर सकते हैं। सेम अगर आप मतलब इसी डस्ट को इसमें मतलब खींचना है, तो इसके लिए आप ये इनलेट में इसको लगा दीजिए, जहाँ से जिससे आपको मतलब हवा खींचता है जिस साइड से, सेम इसको ऐसे करके ये लगा दीजिए, इसको ऐसे करके। एकदम आसान प्रोसीजर है, ठीक है। सो अभी हमको, अभी आपको हम दिखाते हैं किसी चीज को ऐसे करके। यार थोड़ा पेपर ले लेते हैं, पेपर ऊपर कुछ ले लेते हैं कि उसको खींच कर खींच सकते हैं। इनलेट पे हम लोग लगा के देखते हैं काम करता है कि नहीं, कैसे कितना पावरफुल है, डस्ट को खींच पाता है कि नहीं। इतना पावरफुल है, तो हमारा डस्ट को आसानी से ये खींच सकता है। सो मैंने और दो तीन ये वैक्यूम क्लीनर ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। उन लोग का मतलब कंपेरेटिवली अगर मैं देखूँ, तो ये दूसरा जो मतलब ब्रांड है, मतलब मार्केट में जितना इस प्राइस रेंज में है, ये मेरे को बहुत कम अमाउंट में मिला है, 3899 रुपीज़ में। इसी प्राइस रेंज में ये एक बेहतर प्रोडक्ट है। आगे मैं बताऊंगा अगर मतलब इसका सर्विस कैसे होता है, ये तो अभी मैंने नया यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तक मेरे को पता चला कि उसका जो मतलब कैसे खींच रहा है और कैसे ब्लो कर रहा है। इसका ऊपर मैं ये बोल सकता हूँ कि दूसरा कंपेरेटिवली दूसरा जो मार्केट में है, उससे बहुत गुना ये बेहतर पावरफुल मोटर दिया हुआ है इसमें। मेरे हिसाब से ये आप लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी भी अच्छा था, बहुत मतलब जल्द ही ये मेरे को अवेलेबल करा दिया गया है, और रिजनेबल प्राइस भी है ये। आप आसानी से अपना घर यूज साफ उफ करने के लिए आप ले सकते हैं फॉर डेली यूज पर्पस। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं।